स्टूडेंट्स वेलकम। आज से मैं क्लास 10 साइंस की वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ और आज उसका पहला चैप्टर है। आई बिलीव इस समय आप सेल्फ क्वारंटाइन होंगे और आपकी स्टडीज अफेक्ट हो रही होंगी बिकॉज कोचिंग स्कूल्स आर नॉट ओपन। तो इस समय आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे तो ये वीडियो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो इस एक वीडियो में जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये मैंने पूरा इसमें कवर किया है और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन भी मैं लूंगा टू मेक श्योर That you have understood the video completely. Alright, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन क्या है? सी, आपने पिछले क्लास में पढ़ा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो कुछ चीजें हैं पर्टिकुलर, हम हर एक का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि जो फिजिकल चेंज है उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में एकदम नया सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केमिकल चेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास। तो कब आप कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, उसमें फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एंड फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, ये दीज आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी में ये चीजें आपको दिख रही हैं, इट मींस उसमें केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, अगर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं। अब वन बाय वन मैं आपको ये समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। देखो, एवरी टाइम अगर स्टेट चेंज हुई, इट डजंट मीन कि ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आइस है, आइस मेल्ट होके लिक्विड बना है, पर ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें सॉलिड से लिक्विड बना है, पर इट डजंट मीन कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल चेंज इन स्टेट का है, बहुत इजी एग्जांपल है। जो हमारा ये कोल है, कोल में उसको हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने का मतलब है कि उसमें हमने ऑक्सीजन डाला, वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये बना गैस। तो यहां सॉलिड था, ये बन गया गैस। सिंपली हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन को अगर आप मिलाते हैं तो बनता है वाटर। हाइड्रोजन, यू नो, ये गैस है, एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, बट जो वाटर है ये है लिक्विड। तो गैस प्लस गैस बन गया लिक्विड, तो स्टेट चेंज हुई है। तो ये समझ आ गया चेंज इन स्टेट। अब मैं दूसरा समझाता हूं, चेंज इन कलर। अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, दिस इज कॉपर सल्फेट, ओके, ये ब्लू कलर में होता है। अगर इसमें आप आयरन की नेल्स डाल दो तो ये इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा, हमारे पास नया सब्सटेंस बनेगा, कॉपर इसमें से अलग हो गया, इसका कुछ ब्राउनिश कलर होता है बट ब्लू कलर नहीं होगा, लाइट ब्राउन कलर आपको दिखेगा, लगभग कलरलेस टाइप का दिखेगा, बट ब्लू कलर, इसका कलर चेंज हो गया। तो ये समझ आ गया चेंज इन कलर। ओके, इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है। कोई भी मेटल आप ले लो, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम को जब उसमें वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड के साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस, बाहर निकलती है। तो सिंपल सी बात यह है पानी, इसमें आपने सोडियम डाला, जैसे आपने इसमें सोडियम डाला यहां से गैस के बबल्स उठने शुरू हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस समझ गए? अच्छा, एंड फाइनली वी हैव चेंज इन टेम्परेचर, कि इसमें टेम्परेचर चेंज होता है।
तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चूना आपने देखा होगा, पता है ना चूना, चूने को आप पानी में डालो, पानी में डालेंगे कुछ देर के बाद ये गर्म हो जाता है, तो यानी टेम्परेचर में चेंज हुआ है। अब जो इसका फॉर्मूला है ये सब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो जब भी आप कोई किसी चीज को मिला के या गर्म करके कुछ नया चीज बनता है तो उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव प्रोडक्ट्स। यहां पे बीच में हम जो कैटलिस्ट है वो लिखते हैं और जो भी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर ये काम किया गया है वो लिखते हैं। फिजिकल कंडीशंस मींस हमने उसको गर्म किया तो लिखते हैं कि हीट किया है, सनलाइट में रखा है तो लिखते हैं सनलाइट में रखा है, और अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर में अगर हमें उसे रखना तो प्रेशर, वो सब यहां पर लिखते हैं। कोई कैटलिस्ट डालना हो तो वो सब यहां पर जिसकी प्रेजेंस में रखे ये रिएक्शन फास्ट हो तो वो चीजें हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है, इस तरह से लिखते हैं। तो दो तरीके होते हैं रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन लिखने के। एक है वर्ड इक्वेशन फॉर्म, तो जैसे कि मैंने अगर मैं ऐसा लिखूं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी सॉलिड है, लिख सकते हो। बट जो ये चीज है इसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन फॉर्म, क्योंकि हमने वर्ड्स में लिखा है इसे। लेकिन अगर हम लिखेंगे फॉर्मूला इसको दूसरे तरह से तो वो होगा फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्म, सिंपली केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। फॉर्मूला लिखो या केमिकल फॉर्मूला लिखो, सेम थिंग। उसमें सोडियम को हम इस तरह से लिखेंगे, ऑक्सीजन ये हो गया एंड सोडियम ऑक्साइड हो गया ये, साथ में जो इसकी फिजिकल स्टेट है आप चाहो ये लिख सकते हो, सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये भी सॉलिड होता है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्म है, ये वर्ड इक्वेशन फॉर्म है, यहां तक ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है, ये लिखना बड़ा आसान है, वर्ड इक्वेशन फॉर्म लिखनी बड़ी आसान है। आपको पता है सोडियम में ऑक्सीजन को डालो सोडियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को डालो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम में ऑक्सीजन को डालो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहां पे टू लगना है, क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है। थोड़ा सा मैं आपको यह समझाता हूं कि इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, सो पे अटेंशन। देखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये बना सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na होता है, ऑक्सीजन O2 होता है और सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O। ये आपको जानना जरूरी है कि Na2 होता है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं मैं सीधे ही इसका फॉर्मूला फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डाला और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन एक्चुअली O2 है, लेकिन O2 क्यों है, इसमें हमने 2 क्यों नहीं लगाया, यहां पे 2 क्यों नहीं लगा, ये सब इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि इसके एक्चुअल में प्रॉपर फॉर्मूले क्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम में अगर आपने ऑक्सीजन डाला तो ये हो जाएगा Al2O3। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यहां पे 2 क्यों है, ये इसमें क्यों नहीं है, ये क्यों है, तो थोड़ा सा इसको समझो आप। देखो ये सब मैटर होता है, सबसे पहले तो बात है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है कि कितने एटम लगा के वो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जो मेटल्स हैं मेटल की एटॉमिसिटी 1 होती है, मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी मेटल में 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सोडियम आपको बस ये मिलेगा, मैग्नीशियम आपको बस ऐसा मिलेगा, कैल्शियम बस ये मिलेगा, एल्यूमिनियम बस आपको ऐसे मिलेगा, जितने भी मेटल्स हैं, जिंक ऐसा ही है, कुछ और भी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि हर बार मेटल में ये होता है।
आप कार्बन के लिए ले सकते हो, कार्बन सिंगल अगर हमें रखना है तो केवल सी होता है, ठीक है, और जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए अभी आप ये समझ लो कि जितने मेटल्स हैं वो हम सिंगल में रखते हैं ऐसे। अब बात करते हैं जो हमारी गैसेस हैं, गैसेस इनकी एटोमिसिटी 2 होती है, यानी आपको ऑक्सीजन अगर इक्वेशन में लिखना है तो ओ नहीं लिखोगे आप, ओ टू लिखोगे, हाइड्रोजन के लिए एच टू लिखोगे, नाइट्रोजन के लिए एन टू लिखोगे, क्लोरीन के लिए सीएल टू लिखोगे। तो जो ज्यादातर गैसेज हैं ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हर बार गैसेज हैं, ब्रोमीन भी जो है ब्रोमीन लिक्विड है लेकिन इसको हम बीआर टू फॉर्म में लिखते हैं, आयोडीन सॉलिड है इसको भी हम आई टू फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। अच्छा, आई होप आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ। इसके बाद जो है आपको समझना है वो है कि सोडियम ऑक्साइड कैसे बना। तो देखो सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम प्लस वन इसकी होती है एटॉमिसिटी, चार्ज प्लस वन होता है जिसको वैलेंसी कहते हैं, ऑक्सीजन माइनस टू होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है Na2O। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की माइनस 2 होती है, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 2 से 2 कट के ये केवल MgO रहेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO, एल्यूमिनियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 होता है प्लस माइनस 2 एंड इट इज प्लस 3, क्रॉस क्रिस क्रॉस ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Al2O3। इससे पता चलता है कि कौन किस तरह से हमारे पास ये बन रहे हैं। ये और भी काफी है, अगर हमारे पास हमें बनाना है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम हो गया Na और सल्फेट हो गया SO4। Na का प्लस वन चार्ज है, सोडियम और ये सल्फेट का माइनस टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा Na2SO4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम सल्फेट ये बना, इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी जो आपके पास साइंस है केमिस्ट्री ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, कैसे उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आप उसको पहले जरूर देखना तब आपको ये वीडियो ठीक से समझ आएगा। अगर मैं उसको इसमें पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं कि इक्वेशन जो होती है उसको हम बैलेंस कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग बट डोंट वरी। वी हैव सोडियम, देखो सोडियम और ऑक्सीजन मिले ये बना सोडियम ऑक्साइड, इतना आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अच्छा और भी वन बाय वन लिखेंगे लेकिन यहां से शुरुआत करते हैं। अभी आप देखेंगे तो देखो अभी बैलेंस नहीं है, तो इसमें सोडियम और ऑक्सीजन के कितने इसमें एटम्स हैं वो हम काउंट करेंगे, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं। सोडियम यहां 1 है, यहां 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां 1 है, ठीक है। अब हमने इसे बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप कुछ रूल्स समझो, रूल्स बोलो या टेक्निक्स बोलो, आप एक बात समझ लो कि जो सबसे ज्यादा सराउंडेड होता है, जो सबसे ज्यादा घिरा हुआ होता है वो पहले करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा सराउंडेड है वो आता है पहले, सबसे पहले हम इसका करेंगे, उसके बाद जो सब आइसोलेटेड होगा, जो एकदम अलग होगा उसका लास्ट में करेंगे। तो यहां पे एक सोडियम है और ऑक्सीजन है, अब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड इस समय कौन सा है, सोडियम, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अकेला होता है उसका लास्ट में करते हैं, कहने को तो ऑक्सीजन भी इस समय हम अकेला कह सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इस ऑक्सीजन इस समय सेपरेट है लेकिन इससे भी ज्यादा अकेला ये है, तो इसे हम लास्ट में करेंगे,
आप समझ रहे हो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल Fe प्लस एच टू ओ और ये बनता है Fe थ्री ओ प्लस एच टू, इसको बैलेंस करना है आपने, ठीक है। यहां पे आप देखो कि सबसे ज्यादा अलग कौन सा है, सबसे ज्यादा जो अलग है वो Fe है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। इसके बाद इससे कम अलग फिर ये है, यानी सेकेंड लास्ट ये होगा, और ऑक्सीजन जो है वो घिरा हुआ है यहां भी और यहां भी, आप समझ रहे हो आपको, तो ऑक्सीजन यहां भी घिरा हुआ है यहां भी घिरा हुआ है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन करेंगे। तो नियम क्या कहता है कि जो सबसे ज्यादा घिरा हुआ होगा वो पहले होगा, फिर उसके बाद जो कम घिरा है वो बाद में होगा, जो सबसे कम घिरा हुआ है अलग थलग है वो सबसे लास्ट में करेंगे, समझ आ रहा है। तो अब बैलेंस करके देखते हैं, आप नोट करते रहना जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से यहां सबसे पहले ऑक्सीजन का होगा, तो देखो कैसे, यहां पे ऑक्सीजन टू है, ठीक है, तो ये टू में काउंट करेंगे। अगर यहां पे मान लो कि टू लिखा होता तो हम मल्टीप्लाई करते टू टू जार फोर, बट यहां पे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन यहां पे टू है, यहां पे ऑक्सीजन केवल और केवल वन है, ठीक है। ये अगर यहां पे फोर होता तो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करता तो फोर वन जार फोर हो जाता, बट यहां वन है यहां टू है। दूसरी बात, यहां पे हम यहां कभी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप टू यहां लगा देना, बिल्कुल भी नहीं, ओके, टू हम यहां लगाएंगे। अब हो गया ऑक्सीजन यहां पे टू वन जार टू और ये भी टू हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद बैलेंस करेंगे सोडियम को, ठीक है। तो अगला स्टेप में लिख रहा हूं, तो पहले तो हमने देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया और अब नाइट्रोजन और सोडियम बैलेंस करेंगे। तो यहां पे सोडियम कितना है, देखो यहां पे इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, सोडियम चार है तो यहां पे भी फोर लग जाएगा। मैं अगले स्टेप में लिखता हूं, तो ये आ गया फोर, ठीक है, हो गया बैलेंस। यहां पे हमने ऑक्सीजन बैलेंस की और यहां पे सोडियम, उसका रीजन क्या था, सोडियम यहां पे क्यों बैलेंस की, क्योंकि सोडियम सबसे ज्यादा अलग थलग पड़ा हुआ है, समझ आ गया। और अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है ना, नोट करते रहना इसको। चलो अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, एफ ई में डाला वाटर, ये बना एफ ई थ्री ओ फोर, एच टू अलग हो गया। तो नियम के हिसाब से सबसे ज्यादा जो सराउंडेड है घिरा हुआ है वो है ओ, ओ यहां भी घिरा है यहां भी घिरा है, सबसे पहले होगा, उसके बाद फिर H2 H होगा, सबसे लास्ट में ये होगा क्योंकि सबसे अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले O बैलेंस करो, यहां O कितना है, चार है, चार एकम चार, फोर वन सा फोर, यहां O केवल वन है, तो यहां पे फोर लिखेंगे ताकि ये भी फोर हो जाए। तो देखो कैसे, हो गया ऑक्सीजन यहां पे फोर, यहां पे भी फोर हो गया। अब इसके बाद बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट लेफ्ट में एट हाइड्रोजन है और यहां पे केवल टू है, हम यहां पे अगर फोर लगा देंगे तो हाइड्रोजन यहां भी एट हो जाएगा, हो गया। अब बात करते हैं फाइनली हमारे पास से बैलेंस करने को क्या बचा, आयरन बचा। अब यहां पे आयरन थ्री है तो यहां पे भी थ्री लगा दो, तो हो गया बैलेंस। तो अब सारा दोबारा चेक करते हैं, आयरन थ्री थ्री, ठीक है, हाइड्रोजन फोर जो एट फोर जो एट, ऑक्सीजन फोर वन जो फोर फोर, ठीक है। तो पूरा बैलेंस हो गया, इस तरह से बैलेंस होगा, ओके क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं,
Okay, now we have question. Hydrogen plus chlorine becomes hydrogen chloride. ठीक है, हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन इज Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। ठीक है, अब बैलेंस करना इसे। सबसे पहले अब देखो, ये भी अलग है और ये भी अलग है, कोई भी बैलेंस करो। यहां पे H2 है, यहां पे 1 है, 2 लगा दो, हो गया क्लोरीन। अब क्लोरीन भी 2-2 हो गया, ये तो बैलेंस हो ही गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, इसके बाद है यहां पे एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। देन ये बनता है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट बिकम्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां बैलेंस करना है। अब इसे देखो कैसे बैलेंस करें। सबसे पहली बात, यहां जो है कोई भी अलग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक अलग हो तो उसको लास्ट में करें, नहीं। सारे के सारे कैंडिडेट हैं, सब बोल रहे कि हमें पहले बैलेंस करो, हमें पहले बैलेंस करो। ठीक है, तो देखो करते हैं बैलेंस। तो शुरुआत किससे करनी है बताओ, हम किसे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट है, अब देखो यहां पे हमारे पास बेरियम भी घिरा हुआ है, एल्यूमिनियम भी घिरा हुआ है, फिर क्लोरीन भी, सल्फर भी, ये सब, ठीक है ना। तो इस केस में बेस्ट है कि जो आपको सेंट्रल एटम दिखे उनको बैलेंस करो। सेंट्रल एटम यानी जो मेन मेन एटम है, जैसे बेरियम एंड एल्यूमिनियम। बेरियम तो पहले, ये भी 1 है, ये भी 1 है, एल्यूमिनियम यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 2 लगाओ। AlCl3 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये 2 तो लगा दिया, लेकिन इससे क्या हो गया, जो क्लोरीन है वो यहां पे हो गया 6, यहां पे क्लोरीन है 2। तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए यहां पे लगाओ, देखो क्लोरीन कितना, यहां 6, यहां पे केवल 2 है, तो यहां पे 3 लगाएंगे तो ये क्लोरीन भी 6 हो जाएगा। क्लोरीन बैलेंस हो गया। क्लोरीन बैलेंस करने के बाद अब बैलेंस करते हैं बेरियम को। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सल्फर। सल्फर 3 है, सल्फर अब SO4 भी 3 हो गया, यानी ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, वो है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ओके। तो जो सबसे पहले टाइप है वो है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख देते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो गया। जब भी आपके पास दो मिले और वो कंबाइन करके एक बना दे तो वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल अभी आपने बहुत सारे देखे कि जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में आप ऑक्सीजन मिला दो तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया है। तो ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में अक्सर जो बर्निंग है,
जिसको हम कंबस्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कंबस्शन. ध्यान रखना ये सारे शब्द. तो बर्निंग को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में लाते हैं. तो जैसे कोल है, कोयला है, उसको आप बर्न करो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है. और बर्निंग जब भी होगा तो ऑक्सीजन आपको पक्का मिलेगा. ध्यान रखना बर्निंग इज ऑक्सीजन. ओके, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड बर्निंग. ये कॉम्बिनेशन है बिकॉज दो कंबाइन होकर एक सिंगल बना रहे हैं. सेकेंड वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज होता है, यानी कोई एक है तो वो टूट के सी और डी बन जाएगा. ये डिकम्पोज हो गया. हमेशा यहां पे हीट जरूर होगी, गर्म करके होगा. बेस्ट एग्जांपल है लाइमस्टोन, CaCO3. ये है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को गर्म करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अलग निकल जाता है. ये है क्विक लाइम. तो लाइमस्टोन को गर्म करके क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन है. एक था, डिकम्पोज हुआ और एक से ज्यादा में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो हमारे पास है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के साथ बैठा हुआ है आराम से, उसमें डाला आयरन. तो आयरन ने क्या किया, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको इसके घर से निकाल के वहां खुद घुस गया और कॉपर को अलग कर दिया. ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, इस तरह से बन गया है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया. ठीक है, ये थर्ड था. अब फोर्थ हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या है कि मान लो ए एक्स के साथ और बी वाई के साथ है. ठीक है, तो ये इसको यहां से निकालेगा, ये इसको यहां से निकालेगा, तो ये बन जाता है बी एक्स और ए वाई. इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है. ठीक है, ये उसका एक स्ट्रक्चर है. इसका अगर कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अभी हमने किया भी था, अभी जो पिछला इक्वेशन था उसमें क्या था आपने देखा होगा, अभी जो पीछे किया था बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसने ये बना दिया, इसने बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो इसने क्या किया, इसने यहां से इसको हटाया, इसने यहां से इसको हटाया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. समझ गए? तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, यानी उसमें रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट उसको दी जाती है. यानी अगर मैं आपको कहूं कि वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया, ये बन गया CaO प्लस CO2. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हमने इसे हीट दी है तब रिएक्शन हुई है. सो दीज सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक. नाउ अब जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, यानी आपको हीट नहीं देना पड़ता उसे, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हीट मिलती है, उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. आपने चूना, यू नो लाइम स्टोन, CaO, ये होता है लाइमस्टोन, चूना. अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो गर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट बाहर निकलती है.
आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक किसी बर्तन में पानी लेना, थोड़ा सा चूना लेना, कुछ देर तक उसको रहने देना, आपको पता चलेगा कि गर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो वो क्या है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब हम कोई फ्यूल है, फ्यूल बर्न होता है तो उसके बाद हीट रिलीज होती है। फ्यूल यानी मान लो कि मीथेन बर्न हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है कोई चीज, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बस मैंने अभी समझा रखा है। तो इसमें हीट निकलती है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज रिलीज्ड। करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्स रेडॉक्स, ओके। तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इनको कंबाइन करके रेडॉक्स बोल देते हैं। तो एनीवे, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन सिंपल लैंग्वेज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, सोडियम इसमें ऑक्सीजन को मिलाया तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये लो बैलेंस्ड। तो ये है ऑक्स, इसमें जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम ये कहेंगे कि सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर। ओके, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हियर। ओके, अच्छा, अगर हम इसका उल्टा करें यानी ऑक्सीजन को हम हटा दें तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिडक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसका उल्टा होता है, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी जैसे Cl2 है, इसमें H2 मिलाया और बन गया HCl, तो आप ये कहेंगे कि जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो तो वो भी रिडक्शन होता है। यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव होना दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया। ऑलराइट, अब इसके बाद है रस्टिंग। सिंपल सी बात है, रस्टिंग क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो इसकी प्रेजेंस में रस्टिंग होती है। जैसे ऑक्सीजन, ये आयरन है, और आयरन में काफी टाइम रहने के बाद जो है उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है ना, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो आप चाहो तो इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड करें तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और अगर हम इसमें इस तरह से मॉइस्चर ऐड करें तो क्या बन जाएगा? Fe3O4, ओके, प्लस H2। बैलेंस नहीं है बट ये इस तरह से होता है। कहने का मतलब ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ, आपने देखा होगा रस्टिंग में क्या होता है कि जो आयरन रॉड है आप रखोगे, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसमें उसमें जंग लग जाता है। ठीक है ना, तो दैट इज रस्टिंग। तो किसके प्रेजेंस में होता है? मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में। अगर आप उसको ऐसा कवर करके रखो कि उसमें एयर नहीं जा पाए, मॉइस्चर नहीं जा पाए, तो कभी रस्टिंग होगी नहीं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए अगर मान लो कि कोई आयरन रॉड है और उसके ऊपर आप कोटिंग कर देते हो प्लास्टिक की,
आपने देखा होगा कि जो लोहे के दरवाजे होते हैं उसमें लोग गांव में पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि वो अब मॉइस्चर एंड एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो फिर सेफ रहेगा, वो उसमें जंग नहीं लगेगा। अगर आप पेंट नहीं करोगे तो उसमें जंग लग जाएगा। तो पेंट देखने में भी अच्छा लगता है और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। ओके ऑलराइट, तो ये आपका पहला चैप्टर था। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछना, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखूंगा, आप उनके आंसर करने की कोशिश करना, और फिर सेकंड चैप्टर लेके मैं जल्दी आऊंगा। टिल देन टेक केयर।